क्या और अमितराज और ठाकुर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी थाने आ रही हूँ, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगी। कहाँ जा सकला? कहिए शर्मा जी। ठीक है साहब, कहाँ फेर गए? साहब आ रहे हैं। अच्छा, और बताओ। हाथ पकड़ साहब, जय हो। जय हो, जय हो। हवादार सुड्डा जी साहब, उसको नजर आ रहा। सही रूप से पूछ रहा हूँ, ये थाना दो शब्दों का नाम था ना? क्या था? समझने की कोशिश करो, था ना दो शब्दों का नाम, पुरुष का एक रूप था और मुजरिम का था ना, और हाथ पहलवाना हमें अच्छी तरीके से आता है। जो कुछ मैं पूछने जा रहा हूँ सब सही बताऊंगा। उस बुढ़िया औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने फोन किया? लड़की चश्मदीद गवाह है, जो शर्ट तुम्हारा है वह उनको पीछे से पकड़ करके खींचा तो शर्ट उनके हाथ में आ गया और तुम निकले हो, निकल गए वहां से। साहब शर्ट तो मेरा था लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया था। वो कहावत लोग कहते हैं, जो लातों के आदमी होते हो बात तो नहीं मानते हैं। जरा पट्टा लगा से अपनी तू मार।
कितनी भलाई है। मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ साहब, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पुलिस जब पकड़ती है उसको कुछ कहते हैं तो बस मैं कसम खाता भगवान की कसम मैंने नहीं किया, अजीब खाना बेटा है। लेकिन तुम ऐसे नहीं बताओगे, हमें लगता है कि कुछ और करना हमें पड़ेगा। हवादार चड्ढा और हड्डियां तोड़ पाई तराना रहमुल्लाना है।
कूद कर गया जावा देखता है बटन तुम्हें क्या करेगा तेरे फादर चौथ जब हम बोली चला तो हम उनके सामने आ जाते हैं क्या है अबे भोसड़ी के हम उसको पीछा कर रहे हैं वो नदी में शराब लगा के उस वक्त चला गया तो भोसड़ी की हर कल खाने को चलो उसके बाद रिपोर्ट कर चले हर कुंडली भी आती खाने को चलो इतनी चौकसी लगा दो अनुज अगर कहीं भी किसी के सामने आता है तो ऑर्डर और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फोन यानी गोली चला दो देखो देखो मेरी बहन की लाश है आपकी तारीफ मेरा नाम गंगा सर बीरेन सिंह और लाला बिहारी लाल अमित राज तीनों ने मिलकर मेरी बहन के साथ वो घिनौना अत्याचार किया कैसे कौशल मार दिए सर मेरी बहन की जिससे खेला उसे जान से मार दिया एक मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अत्याचार हुआ है सर उन्हें गिरफ्तार करिए सर मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन के साथ में अत्याचार हुआ है लेकिन एक बात ही बताओ कोई तुम्हारे पास सबूत है सर अभी आप सबूत ढूंढ रहे हैं मेरी बहन की हालत देख रहे मेरी बहन की लाश देख रहे सर अभी आप सबूत मांग रहे हैं बात ये नहीं है कि तुम्हारी बहन है नौकरों की गवाही घर की गवाही रिश्तेदारों की गवाही के माने नहीं होती है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ देखा है सर देखा होगा दो लोगों ने देखा होगा सर लेकिन कोई उन लोगों के खिलाफ गवाही नहीं देगा क्योंकि सब लोग डरते हैं सर आप ही पर मुझे भरोसा है कि कानून मेरी मदद करेगा अगर आप नहीं मदद करेंगे तो सर अरे मैं कहाँ जाऊंगी किससे मदद मांगूंगी सर आपको कानून से मदद मिलेगा जरूर मिलेगा लेकिन पुलिस सबूत के लिए परेशान है जब तक कोई सबूत ठोस नहीं हम लगता है हम क्या करेंगे अभी किसी को पकड़े किसी को मुश्किल है ऊपर से दबाव आ जाता है सर अरे गुनाह पर गुनाह कर रहे हो ना कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत से खेल रहे हैं सर और आप सबूत ढूंढ रहे हैं इतना ही नहीं जो अनुज को गिरफ्तार किया आपने सर मेरी माँ के कत्ल के जुर्म में मेरी माँ का कातिल अनुज नहीं है सर धोखा हुआ मेरे साथ सर ऐसा उन लोगों ने जाल फेंका कि हम सब लोग इसमें फंस गए अमित राज ने मेरी माँ का खून किया अनुज का सर अनुज काम करने हवेली गया था और जब मैंने पीछा किया तो अमित राज को पकड़ लिया पीछे से शर्ट मेरे हाथ लगा और अमित राज अपना चेहरा ना दिखाते हुए भाग निकला और सर जब वहाँ हवेली में तलाशी हुई तो वहाँ अनुज निकला अनुज ने कहा कि शर्ट मेरा है मैं भी आप सब लोगों ने यही सोचा कि कभी यही इसी ने किया है सर हम सबके साथ एक खेल खेल लगा है सर अनुज ने दोष से उसे छोड़ दीजिए सर तुमने ये बताकर के बहुत अच्छा काम किया अनुज तो फरार हो गया यहाँ से भाग निकला है तुमने बताकर कि ये अच्छा किया कि अगर वो मेरे सामने आता तो मैं गोली मार देता उसको लेकिन अब जब भी आएगा सच्चाई सामने आएगी मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन सर कुछ भी हो जाए उन लोगों को फांसी होनी चाहिए अभी गिरफ्तार के लिए रिपोर्ट लिखी है सर ठीक है आपकी रिपोर्ट समझौती हो गई मैं इस लड़की को जानता हूं उसका रेखा नाम है जी सर तुम्हारी माँ का नाम मीना नाम था ये सब लोग थाने को आ चुके मैं इनकी मदद कर रहा था अरे सर मैं तो अनाथ हो गई कोई नहीं रह गया देखिए गंगा किसी के माता पिता कोई भी इंसान हमेशा हमेशा ये जिंदा नहीं देता है ना अमर होकर के आया है जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा कहते हैं कि आगा है अपनी मौत से कोई बशर नहीं और सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं
देखिए जो आया है वो जाएगा। तुम ना सुसिद्ध करो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बहन के कातिलों को अपने पापा लगाऊंगा। और जिस रोज कोई भी सबूत हो, कोई हमारे समझ में आ गए, मैं पक्षों में ये करवाता है। अब आप पता लगाएंगे सर, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, बस उन लोगों की गिरफ्तारी चाहिए सर। तभी मैं समझूंगी कि आपने मेरे साथ इंसाफ किया, वरना मैं समझूंगी कि आप ही मेरी गली करने के लिए तैयार हैं सर। ये आपकी क्या कहने हैं, या तो मैं रिश्वत खोरू ना, मैं तैयार हूँ। ये तो भगवान ही जानता है कसम, इस देश की मर्यादा को मैं क्या करके कहता हूँ। जिस रोज उन सालों के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत लग गया, उस सालों को जेल की सलाखों में सलाह डालूंगा। सर मैं जानती हूँ आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, वरना मैं इतनी मिन्नत इतनी विनती नहीं करती। ठीक है, तुम्हें इंसाफ में दिलाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो कानून तो तुम्हारा साथ ही देगा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। दिक्कत अब यही है कि बोले गिरफ्तार होना चाहिए बस। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं गिरफ्तार करूंगा। ठीक है, तो आप अपने फर्ज बजाए रहिए और जब आपको सबूत मिले तो अपने गिरफ्तार करना। आपकी मर्जी जाने सर, आपका इंसाफ जाने, और मेरी मर्जी जो आएगी मैं वो करूंगी। फिर ना कहना गंगा ये तूने क्या किया। नहीं, हवलदार चड्डा जी सर, देखिए हम तुम लोगों की तरह तुम तरह के लिए 50,000 रुपए। क्या कहा चट्टा सिंह, इंस्पेक्टर जगत नहीं,
हमें अरेस्ट करवाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा है। ज्वाला को अरेस्ट नहीं करने आया है बल्कि ज्वाला को बहुत अगर सामने पड़ गया ज्वाला सिंह के सामने पड़ गया तो सारा समझो खुश है कराना तुम्हारा भी काम है बाकी सारे जिम्मेदारी सारे सरदार ज्वाला सिंह मेरा कहना है कि ये जो धंधाली का चंचल पकड़े हुए बैठे हुए हो मसरदा से किसी रोड पे पुलिस बराबर आती जाती रहती है इसलिए इस जंगल को छोड़ करके और अपने इलाके की तरफ चलिए थोड़ी बात ठीक है आज मेरा दिल कहता है कि अपने गांव बराला की तरफ चलूंगा जाके वो मातर चौदह ने मुझे एक शनि शरीफ इंसान को चप्पल में जाकर खोखा डाकू बना दिया है लोग गांव में क्या कहते हैं कोई भी इंसान अपनी माँ की कोख से डाकू बन करके जन्म लेता है हथियार उठाना किसका काम उन मादर चोद गंदा समाज और गंदे लोग सरदार सरदार जी तुम्हारे ही इलाके में गेंधलिया गांव के पश्चिम व उत्तर बेतवा नदी बह रही है बेतवा नदी में बहुत अच्छा जंगल है चलो वहीं मिलते हैं और अपने गांव का टहल तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज बरेला गांव को नहीं चलना है जी हां ठीक है आज रहने दो कल चला जाएगा ठीक है बड़ा भागा अब मैं थाने से भाग कर आया हूँ अब घर जाऊंगा तो हाँ ठाकुर लोग मुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे फिर मुझे अपने पुलिस के हाथ में दे देंगे इससे अच्छा इसी जंगल में घूमूंगा अरे छुप के रात दिन आंसू बहाना
अरे तुमने मोहब्बत का सिला ऐसा दिया मैंने।